हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आई है, ना केवल टीचिंग स्टाफ के लिए बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। नॉन टीचिंग स्टाफ में केवीएस क्या क्या मांगता है, अगर आपने केवीएस का फॉर्म कभी फिल किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। इसमें नर्स की होती है, एएनएम की होती है, डॉक्टर की होती है, जीएनएम की होती है, उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िकल टीचर की होती है, उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की होती है, और भी योगा टीचर की भी होती है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं। TGT, PGT और PRT टीचिंग स्टाफ से ये वैकेंसी मांगी है। और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, इसका नोटिस कहाँ पे है, कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और कैसे आपका सब कुछ होगा, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द KVS रिक्रूटमेंट नाउ। ये रिक्रूटमेंट केवल इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, एग्जाम नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट। परमानेंट और रेगुलर वाली अगर बात करें तो हो सकता है इस साल के लास्ट में आपको परमानेंट वैकेंसी KVS में देखने को मिले। केंद्रीय विद्यालय मातनहेल झज्जर में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय मातनहेल शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंशकालीन अनुबंध के आधार पर विभिन्न पार्ट टाइम शिक्षकों के सेलेक्ट पैनल हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक उम्मीदवार जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हैं, अपना आवेदन विद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र में भरकर प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित मतलब खुद अटेस्ट करके प्रतिलिपियों के साथ नीचे दिए गए कार्यक्रम अनुसार इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जो इनकी www.matanhel.kvs.nic.in, मैं दिखा भी दूंगी। यहाँ से आपको ये प्रपत्र निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा वो। और रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन 3/5/2022 तक रहेंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये इनका फॉर्म का लिंक दे रखा है। TGT के लिए इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक शास्त्र, योग व खेल प्रशिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, 4 तारीख को इंटरव्यू है। प्राथमिक शिक्षक, संगीत शिक्षक व अन्य की बात करें तो नर्स, काउंसलर, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और विशेष शिक्षक, ठीक है, और सभी विषय PRT के। 5 तारीख को इंटरव्यू है, ऊपर वाला 4 को, नीचे वाला 5 को, मतलब TGT वालों का 4 तारीख को और प्राथमिक वालों का 5 तारीख को। नीचे साक्षात्कार, जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन जब आप जाओगे तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल लेके जाने हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है, मतलब ये दावा नहीं करते हैं भाई दिस इज नॉट अ रेगुलर वैकेंसी, इट्स जस्ट ओनली अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का, केंद्रीय विद्यालय मातनहाली रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑन 4th and 5th May 2022। क्या क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होना चाहिए, CTET कंपलसरी है TGT और PRT के लिए। प्लीज़ रीच इन टाइम, टाइम पर पहुंचना है। रिटर्न टेस्ट हो सकता है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को अगर ज़्यादा संख्या होती है तो। इंटरव्यू विल स्टार्टेड 10 AM, 10:30 इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 4 और 5 मई को, तो अपना लंच वगैरह लेके जा सकते हैं। विजिट करना है इस वेबसाइट पर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। COVID-19 के उसके कारण आपको मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। TADA फंड नहीं मिलेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बिफोर आपको 3 मई से पहले पहले, ओके। उसके बाद एंड कैरी और प्रिंट एंड फील्ड इन द एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको कंप्लीट भर के और निकलवा के इसके साथ सारे अपने अटैच्ड टेस्टामोनियल लगा के तब आपको जाना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे लिखना है। वैकेंसी देख लो किसकी क्या क्या, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 1, नर्स की 1, स्पोर्ट्स कोच योगा इंस्ट्रक्टर 1। उसके बाद TGT वालों की नहीं बताया है कितनी है, तो टीचर विल बी कॉल्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओनली अगेंस्ट वैकेंसी लॉन्ग लीव ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल कंसर्न सब्जेक्ट टीचर। तो मतलब काफ़ी लंबी लीव ली होगी किसे, मतलब टीचर ने, तो उनकी जगह पर रखेंगे। कोई वैकेंसी नहीं PRT की, नो वैकेंसी एज ऑन डेट, मतलब इस तारीख में। ओनली पैनल विल बी फॉर्म्ड द सेशन, ये सेलेक्टेड टीचर विल बी कॉल्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अगेंस्ट वैकेंसी लॉन्ग लीव ऑफ अवेलेबल PRT टीचर। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया मतलब PRT की है वो, लेकिन वो दिखाई नहीं है कितनी। CTET कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका BEd और CTET होना चाहिए TGT वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और इंग्लिश इन ऑल 3 ईयर,
हिंदी वालों के लिए भी सेम क्रिटेरिया, फिर संस्कृत, SST, साइंस, TGT, मैथ, PRT वालों के लिए 50% आपके 12th में, या तो आपके पास CTT का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, या तो आपके पास BLED हो और CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देख सकते हो, BE BTech मांग रखा है। स्पोर्ट्स कोच का BPED या DPED मांग रखा है। BSc नर्सिंग, नर्स वालों का मांग रखा है। स्पेशल एजुकेटर का एज पर द CBSE गाइडलाइंस के तहत जो होता है स्पेशल एजुकेशन। और स्पोकन इंग्लिश टीचर का ग्रेजुएट होना चाहिए 50% में, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। जैसे अगर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका ईमेल एड्रेस, फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, फिर ऑप्शन 1 यहाँ पे डालना है, मतलब TGT के लिए कर रहे हो तो अपना यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाना है, 12th की परसेंटेज, फिर ग्रेजुएशन की है तो वो लिखना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, CTET यहाँ पे आपका क्वालिफाई है तो वो लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है और सबमिट कर देना है निकलवा के, इसके साथ सारे टेस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के, और पहुँच जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पहले ही करना होगा आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो बहुत अच्छे, अदरवाइज़ वीडियो को एक बार और भी देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।